Pusat dulu. मेरे हर पंथ दे विच एक कहानी होती है। कुछ कहानियां मजेदियां होंदियां ते कुछ कहानियां बोर होंदियां। कुछ कहानियां एंजियां होंदियां जिहड़ियां मैं को हमेशा याद रह वेंदियां। एक कहानी भी एक यादगार कहानी है। यह है वादी ए सिरी दे सफर की कहानी। वादी ए सिरी जिहड़ी कोहे सुलमान की एक वादी है जिहदे विच एक पानी का कुदरती चश्मा है जिहड़ा सदियां कने चलदा पाए। वादी ए सिरी दो वंजन वास्ते डेरा गाजी खान कने फोर्ट मंडरू वाली साइड दो वंजना पौंदे। फोर्ट मंडरू वाले पासे सफर करेंदे हुए अगो राखी मूंह दा इलाका आंदे। राखी मूंह दे इलाके कने एक सड़क उभे ते वेंदी पीए। ई उभे वाली सड़क दे उते सफर करेंदे हुए तकरीबन कोई 8 किलोमीटर दे फासले दे उते वादी ए सिरी दो वंजन वाला रस्ता शुरू थी वेंदे। कच्चा ते पथरीला रस्ता है। रस्ते दे विच सारे पत्थर हैं। साइड दे उते एक खाई है ते दूजी साइड दे उते पहाड़ है। इन रस्ते दे उते सफर करेंदे हुए वड़ी एहतियात करण दी जरूरत होंदी है क्योंकि थोड़ी जी गलती साकू तले झिक दे विच सट सकती है। मकामी लोगों वास्ते ये रस्ता आसान है लेकिन जेड़ा बंदा पहाड़ दे विच मोटरसाइकिल चलावण दा आदि ना होवे उंदे वास्ते ए रस्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है। वादी ए सिरी दो आवण वास्ते मकामी बंदे दी मदद गिरण जरूरी है क्योंकि उहो ही साकू उं वादी दो वंजण वाले रस्ते दे उत्ते गाइड कर सकदे। मकामी बंदे दे बगैर असा उं चश्मे तक निसे वंज सकदे। पक्की सड़क ने लाहण दे बाद तकरीबन अद्धा घंटा सफर करण दे बाद असा उ जा दे नेड़े पहुंच गए हैं जिथो ओ चश्मे दा पानी गुजरदा पए और ए पानी गुजरत आबादी आले पासे वेंदा पए जिथा लोग फसलां राधी पैन। सामने जेड़ा पहाड़ नजर आंदा पए ही पहाड़ दे तलो चश्मा बांदा पए। इथा असा अपने मोटरसाइकिल खड़ाड़े सू ते अगला सफर पैदल करे सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मौजूद हाँ कोहे सुलमान के सिलसिले दे विच। ते ए जिहड़ी जगह जिथे मैं मौजूद हाँ इकू आदन वादी ए सिरी। मेरे नाल रजब बलोच ते असद बलोच मौजूद हैं। ये मेरे गाइड हैं और ई जगह दे उते मैं को फेंदे हैं ते ई पूरी वादी दा तुहानू विजिट कराने हैं। इत्थे एक कुदरती चश्मा है जिहड़ा कि इन्हे पहाड़ां दे विचों गुजरदा पै। इहदा पानी जिहड़ा है ना अगो आबादी तों वहिंदा पै और लोग उन्हें दे उते फसलां भी काश्त की। मोटरसाइकिल दरख्त दे तले खड़ावण दे बाद असां पहाड़ दे विचों अपना सफर अगूते शुरू कर दिते। दूहे पासों पहाड़ है ते पहाड़े दे अध दे विचों पानी गुजरदा पए। ये पानी बहुत साफ ते शफाफ है और इन्हे पत्थरें दे विचों असां अपनी अगली मंजिल दो टुरदे वेंदू। असां उं जा कू देखण चाहदू जिथों ये पानी पत्थरें दे उतो ढांदा पए। ऊँ जा दे उते पुजण दे उते तकरीबन अद्धा घंटा पैदल सफर करने। एह एक नदी दे क्रॉसिंग दा रस्ता है ते ई रस्ते दे विच वड्डे वड्डे पत्थर भी पैन थे क्योंकि गर्मी दे मौसम दे विच जेड़े वेले पहाड़े दे उते बारिशां थींदियां ते उन्हें बारिशें दा पानी पहाड़ कने तले वड्डे प्रेशर नाल गुजरदे तो वो अपने नाल वड़े वड़े पत्थर भी घेंटे आंदे। पानी बहु प्योर है। इन
ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਕੂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਪਰੇ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਕਨੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਉਸੋ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਕਨੇ ਅਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਮੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਖੀ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿਣ ਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਾਦੀਏ ਸ੍ਰੀ ਵਹਿਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈ ਜਾ ਤੱਕ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਕਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਬ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਅਸਦ ਬਲੋਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਈ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾ ਹੈ ਪੱਥਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਥਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਢਾਹਦਾ ਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੰਜਣ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੋ ਰਸਤਾ ਗਿੜਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ